Fats and oils. This is the fourth unit of pharmaceutical organic chemistry according to B.pharm third semester syllabus. The topic that I am going to discuss in this video are fatty acid reactions, hydrolysis, hydrogenation, saponification and rancidity of oils, drying oils. Introduction. Fats and oils belong to the naturally occurring group of compounds called lipids. फैट्स एंड ऑयल्स प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले कंपाउंड्स हैं जिन्हें लिपिड कहा जाता है. नेचुरल गैस एंड ऑयल्स आर ट्राइस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विद लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स. दीज आर नोन एज ट्राइग्लिसराइड्स. तो प्राकृतिक फैट्स एंड ऑयल्स को ट्राइग्लिसराइड्स भी कहा जाता है जो कि ग्लिसरॉल के ट्राइस्टर्स हैं फैटी एसिड के लॉन्ग चेन के साथ. फैटी एसिड में कार्बन की संख्या कम से कम 12 से 20 होनी चाहिए या उससे अधिक. When the OH group of glycerol are esterified with the same acid, the triester is known as a simple glyceride. जब glycerol से same एक ही तरह के acids bind करके esterified होते हैं या triesters बनाते हैं तो उस तरह के triester को simple glyceride कहते हैं. लेकिन जब बहुत अलग अलग तरह के fatty acid bind करके triesters बनाते हैं तो उस condition में उस तरह के triglyceride को मिक्स्ड ग्लिसराइड कहा जाता है. द फैटी एसिड्स दैट फॉर्म ईस्टर चेन्स इन नेचुरल ट्राइग्लिसराइड्स, नेचुरल ट्राइग्लिसराइड्स जिन्हें फैट्स एंड ऑयल्स भी कहा जाता है, मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड ना हो और अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो. द डिस्टिंक्शन बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स इज प्राइमरी बेस्ड ऑन अपॉन द डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट. फैट्स एंड ऑयल्स को हम मेल्टिंग पॉइंट के आधार पे अलग अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. फैट्स आर कंपोज्ड ऑफ सॉलिड ट्राइस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल व्हाइल ऑयल्स आर कंपोज्ड ऑफ लिक्विड ट्राइस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल एट रूम टेम्परेचर. तो जो आप तेल खाते हैं लिक्विड फॉर्म में वो जो ट्राइस्टर्स हैं वो लिक्विड ट्राइस्टर्स हैं, लेकिन एक जो सॉलिड वाला आप खाते हैं जैसे घी वो सॉलिड ट्राइस्टर है, ठीक है, एक रूम टेम्परेचर. फैट्स एंड ऑयल्स आर सेपोनिफाइबल. फैट्स एंड ऑयल का साबुनीकरण किया जा सकता है, सेपोनिफिकेशन की रिएक्शन होती है इनमें. लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर नोन एज फैटी एसिड. देखिए फैटी एसिड और फैट दोनों वर्ड अलग अलग है, इसमें कन्फ्यूज मत हो जाइएगा. एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और तीन फैटी एसिड मॉलिक्यूल मिल के फैट्स बनाते हैं, फैट्स या ऑयल्स को बनाते हैं. तो जो फैट है वो फैटी एसिड से मिलकर बना होता है. यहाँ पे रिएक्शन आप देख लीजिए, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है एक जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड बाइंड करता है, तीन वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं और एक ट्राइग्लिसराइड बनता है. यहाँ पे मिक्स्ड ग्लिसराइड और सिंपल ग्लिसराइड का एग्जाम्पल दिया गया है. नाउ यहाँ पे कुछ कॉमन फैटी एसिड्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं. ये जो फॉर्मूलाज हैं आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये फार्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है. आपको फार्मूला दे दिया जाएगा और नाम पूछा जाएगा, या फिर आपको नाम दे दिया जाएगा और फार्मूला पूछा जाएगा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं जिनका उपयोग हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते रहते हैं, इसलिए आपको इनको ध्यान में रखना है. फैटी एसिड रिएक्शन अब देखते हैं. पहला है हाइड्रोलिसिस जिसे सेपोनिफिकेशन भी कहते हैं. एक्चुअली एल्काइल हाइड्रोलिसिस सेपोनिफिकेशन कहा जाता है. फैट्स और ऑयल्स आर रीडिली हाइड्रोलाइज्ड बाई हीटिंग विद एसिड्स और एल्कलीज एल्केलाइंस और सुपरहीटेड स्टीम. फैट्स एंड ऑयल्स को हाइड्रोलाइज्ड किया जा सकता है अगर उन्हें एसिड के साथ या एल्केलाइन सब्सटेंस के साथ हीट किया जाए या भाप में सुपरहीट किया जाए, बहुत ज़्यादा हीट किया जाए. When fats or oils are boiled with sodium or potassium hydroxide solution, the hydrolysis products are sodium or potassium salts of long chain fatty acids. The latter are called soaps and alkaline hydrolysis is referred to as saponification. यहाँ पे ये saponification reaction का ही example है. यहाँ पे चूंकि sodium hydroxide use हो रहा है so it is a saponification reaction या alkyl hydrolysis. यहाँ पे fat है, ट्राइग्लिसराइड है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बाइंड किया, ग्लिसराइड मॉलिक्यूल अलग हो गया और यहाँ पे फैटी एसिड का साल्ट बना, ठीक है.
ये जो आप देख रहे हैं वो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का है, हाइड्रोलिसिस का नहीं है। तो चलिए अब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन को समझते हैं। यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हैं कि ये ऑयल है, लिक्विड फॉर्म में है। ये भी फैट है और ये भी फैट है। लेकिन ये वाला जो फैट है वो लिक्विड फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है। तो लिक्विड फैट को लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो हाइड्रोजनेशन कहलाता है। ये कैसे होता है चलिए समझते हैं। वेजिटेबल्स ऑयल्स आर ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सच एज ओलिक एसिड एंड इनोलिक एसिड। वेजिटेबल्स ऑयल्स जो आपको आप कुकिंग में यूज़ करते हैं वे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जैसे ओलिक एसिड, इनोलिक एसिड, इनके ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ऑन कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन हिट लो प्रेशर हाइड्रोजन एड्स अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स ऑफ द एसिड कंपोनेंट ऑफ द ट्राइग्लिसराइड्स। लो प्रेशर पे कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जैसे निकिल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन करा दिए जिससे जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं अनसेचुरेटेड में जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स हैं उनमें हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं जिसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके थ्रू जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं वे मतलब जो फैटी एसिड है वो सैचुरेटेड हो जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड ग्लिसराइड्स विच आर सॉलिड फैट्स एट रूम टेम्परेचर। दिस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस इज कॉल्ड हार्डनिंग। तो इस तरह से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को सैचुरेटेड फैटी एसिड में कन्वर्ट किया गया हाइड्रोजनेशन रिएक्शन के थ्रू जिससे जो फैट प्राप्त होगा वो सॉलिड होगा या सेमी सॉलिड होगा। तो ये जो प्रोसेस है हाइड्रोजनेशन का हार्डनिंग कहलाता है। पार्शियल हार्डनिंग से वेजिटेबल घी बनता है या डालडा जिसे आप यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए। पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेजिटेबल घी डालडा। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन अकॉर्डिंग टू द एबो इक्वेशन वुड प्रोड्यूस अ हार्ड ब्रिटल फैट। ये देखिए यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो हार्डनिंग का है और अगर कंप्लीट हार्डनिंग कर दिया जाए तो बहुत ही हार्ड ब्रिटल भंगुर सा फैट बनेगा। ये जो रिएक्शन यहाँ पे आप देख रहे हैं वो है हार्डनिंग का। यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो रहा है जिसे एक लिक्विड फैट्स विद लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स एक सॉलिड फैट में कन्वर्ट हो रहा है। मेल्टिंग पॉइंट का डिफरेंस आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट -17 डिग्री सेल्सियस था और ये कन्वर्ट हो गया 55 डिग्री सेल्सियस में हाइड्रोजनेशन के थ्रू। थर्ड है हाइड्रोजिनोलाइसिस। लाइक सिंपल एस्टर्स द एस्टर ग्रुप ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स फैट्स एंड ऑयल्स कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्रोमाइड कैटलिस्ट एट हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर। दिस रिएक्शन कॉल्ड हाइड्रोजिनोलाइसिस। हाइड्रोजिनेशन इन्वॉल्विंग क्लीवेज, मतलब पहले हाइड्रोजिनेशन होगा उसमें फिर उस साथ ही उसमें क्लीवेज भी होगा। हाइड्रोजन इन्वॉल्विंग क्लीवेज गिव्स इन एडिशन टू ग्लिसरॉल लॉन्ग चेन प्राइमरी एल्कोहल करिस्पॉन्डिंग टू द एसिड पोर्सन। द लॉन्ग चेन एल्कोहल्स ऑब्टेंड आर टू बी यूज बाई मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट्स यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिटर्जेंट्स। यहाँ पे जैसे ग्लिसराइल ट्राइलॉरिएट है, ये एक फैटी एसिड, ये एक फैट है, ठीक है। इसका हम हाइड्रोजिनोलाइसिस करेंगे तो पहले हाइड्रोजिनेशन होगा। हाइड्रोजिनेशन होगा तो इसमें हाइड्रोजन ऐड होगा, उसके बाद उसका लाइसिस भी होगा। यहाँ पे एल्कोहल, ये लॉरियल एल्कोहल मिला और ये ग्लिसरॉल हुआ। इस एल्कोहल का यूज़ डिटर्जेंट के फॉर्मेशन में यूज़ होता है। जैसे कि आप सोडियम लॉरियल सल्फेट सुने होंगे SNS, तो वो भी इसी तरीके से बनता है। जैसे लॉरियल एल्कोहल का यूज़ करके सोडियम लॉरियल सल्फेट बना लिए। फोर्थ है रेनिसिडिटी ऑफ ऑयल्स, जिसे रेनिसिडिफिकेशन भी कहा जाता है। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर लेफ्ट एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर दे डेवलप फाउल स्मेल एंड सो टेस्ट। जब फैट्स एंड ऑयल्स को खुले में नम जगह में छोड़ दिया जाए ऐसे ही खुला तो उनमें एक अजीब सी गंध उत्पन्न हो जाती है और साथ ही उसका टेस्ट भी थोड़ा खट्टा हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस है रेनिसिडिफिकेशन कहलाता है एंड दे आर सेट टू बी बिकम रेनिसेड। तो ये जो खराब हुए फैट्स हैं उन्हें फिर रेनिसाइड कहा जा सकता है। द रेनिसिडिफिकेशन इज कॉज्ड बाई टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड द सेकेंड वन इज हाइड्रोलाइटिक रेनिसिडिफिकेशन। देखिए रेनिसिडिफिकेशन अगर आपको केमिकल प्रॉपर्टीज पूछे फैट्स के तो भी आप इसको रेनिसिडिफिकेशन को लिख सकते हैं। वैसे ये रिएक्शन के अंतर्गत भी आते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन और हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन को हम इसमें पढ़ते हैं।
Oxidation rancidification involves the oxidation of carbon-carbon double bonds in fats and oils to produce volatile carboxylic acids. And hydrolytic rancidification involves the hydrolysis of one or more ester linkage in fats and oils to produce the original acid. Bacteria form from the air furnace enzymes that promote these reactions. Furnace enzymes that promote this reaction, actually oxidants are added to many edible fats and oils products to retard rancidification. ठीक है, कई तरह के antacids, sorry, antioxidants मिलाए जाते हैं ताकि कुछ ताकि edible fats को rancidification से बचाया जा सके. आपने देखा होगा chips का packet halfly full होता है. क्यों full होता है? क्योंकि हमें जो उसमें जो fats है उसमें use हुआ है उसे rancidification से बचाना है. Chips के packet में आधे में चिप्स होता है, आधे में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे वो एक तो वो सुरक्षित रहता है, डैमेज से भी बचता है, उसको थोड़ा सपोर्ट मिलता है, पर साथ ही साथ मेन उसका पर्पस होता है जो अंदर चिप्स है उनको रेनेसिटिफिकेशन से बचाना, क्योंकि चिप्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में फैट है. फिफ्थ है ड्राइंग ऑयल्स. व्हेन हाईली अनसैचुरेटेड ऑयल्स आर एक्सपोज टू एयर दे अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड पॉलीमराइजेशन टू फॉर्म अ थिन. तो इस तरह जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को एयर के कॉन्टेक्ट एयर से एक्सपोज किया जाता है तो उनमें ऑक्सीडेशन और पॉलीमराइजेशन रिएक्शंस होते हैं जिससे एक थिन वाटरप्रूफ फिल्म बन जाती है. सच ऑयल्स आर कॉल्ड ड्राइंग ऑयल्स एंड द रिएक्शन इज रिफर्ड टू एज ड्राइंग. तो इस तरह के ऑयल्स में ड्राइंग ऑयल्स में लिनसिड ऑयल विच इज रिच इन लिनोइक एसिड इज अ कॉमन ड्राइंग ऑयल यूज्ड इन ऑयल बेस्ड पेंट्स. तो लिनसिड ऑयल एक कॉमन ड्राइंग ऑयल है जिसमें लिनोइक एसिड बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, तो इसका उपयोग ऑयल बेस्ड पेंट बनाने के लिए किया जाता है. क्यों? क्योंकि ये जो है वो एक वाटर फिल्म बना लेता है जिससे एक प्रोटेक्शन लेयर सी बन जाती है. नॉन ड्राइंग ऑयल्स आर आइदर सैचुरेटेड और ओनली मॉडरेटली अनसैचुरेटेड. सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड हियर इज अ कोट. हैबिट्स नेवर डिसअपीयर, never really disappear. They are encoded into the structures of our brain, and that's a huge advantage for us because it would be awful if we had to relearn how to drive after every vacation. आदतें कभी गायब नहीं होती, वे हमारे मस्तिष्क की संरचनाओं में कूटबद्ध होते हैं और यह हमारे लिए एक बहुत बड़ा लाभ है, प्रॉफिट है, क्योंकि यह भयानक होगा यदि हमें हर छुट्टी के बाद ड्राइव करना सीखना पड़े. इसलिए अच्छी हैबिट्स को डेवलप कीजिए और चिंता मत कीजिए, अगर आपने एक बार वो हैबिट डेवलप कर ली तो ऑफकोर्स वो हैबिट बनी रहेगी. इसलिए जीतने की हैबिट बनाइए. जब जीतने की आदत बन जाती है तो अगर कभी हार भी मिली तो कोई गम नहीं, क्योंकि आदतें कभी छुप सकती है लेकिन मिटती नहीं है. इसलिए बस पढ़ते रहिए, अच्छी आदतें बनाइए. थैंक यू सो मच. And like, share and subscribe to my channel.